Hello everyone, welcome to Girls Mentor e-learning YouTube channel, I Deepika. So friends, agar tusi sade channel te new ho, then tusi channel nu subscribe karna hai and bell button nu hit karna hai, so that tonu ki hai instant notification mildi rahe. So student, jo ke thodi exam di preparation hai, okay, Girls Mentor ki usi responsibility le reha hai. Asi tonu ki hai, Punjab de har exam di preparation karwa rahe hain. सो तुसी की करना है जस्ट कि साडे व्हाट्सएप है टैलीग्राम चैनल नू ज्वाइन करना है एंड गिल्स मेंटर ऐप डाउनलोड करके तुसी की है सारा कंटेंट है जो ले सकते हो. तुसी उत्थे की है पटवारी पीपीएससी दे लिए क्रैश कोर्स लिए ऑलरेडी जो चल रहा है उसनू इनरोल कर सकते हो एंड तुहानू की एग्जाम डेट तक उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी. सो जो थोड़ा पेड कोर्स है क्रैश कोर्स उस दे विच की है ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है जो थोनू लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, थोनू पीडीएफ वगैरह सब कुछ मॉक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं. सो यू कैन ज्वाइन. सो स्टूडेंट अज आप की करना है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं. ठीक है, सो आप ऑलरेडी की कर चुके कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स कर चुके हैं, दैट इज़ OSI मॉडल कर लिता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रेट्स कर लेती हैं. ठीक है, लैन वैन मैन कंप्यूटर नेटवर्क से टाइप्स करियाँ, ट्रांसमिशन मीडिया कर चुके हैं, ओके जी, एंड ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स कर लेती हैं. ठीक है, सो अज आप करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस. मीन्स की है जब आप ऑलरेडी की कंप्यूटर विच नेटवर्क किदा क्रिएट करना है ना, तो उसे डिफरेंट टाइप्स कर चुके हैं. सो उस किस दे नाल कनेक्ट कर सकते, दो मीडियम सीगे, दैट इज़ वायर्ड और वायरलैस. बट हुण जो वायर्स और वायरलैस नू डिवाइसेस नू कनेक्ट करना है पीसीज नू, सो पीसीज कनेक्ट किदा होंगे, सो की होंगे वाया कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस दे थ्रू होंगे, ओके जी. सो इस दे विच की कह रहे हैं कि कनेक्ट करते कंप्यूटर्स नू विद इलैक्ट्रिकल डिवाइस होंगे है जो कि करते शेयर अपन अलाउ करते कि तुसी अपना डेटा है और रिसोर्सिज है उसनू की शेयर कर सकते हो, ओके जी. सो बेसिकली डिवाइसिस कि टाइप के होंगे है, हब हो सकती है, स्विचिज हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, नैटवर्क ब्रिजिज हो सकती हैं, गेटवेज, फायरवॉल एंड वायरलैस APs हो सकते. ठीक है जी, सो आप की है इन्हों वन बाय वन के डिस्कस करांगे, ओके. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट डिवाइस. फर्स्ट वन इज़ हब. सो हब की होंगी बेसिकली एक स्मॉल टाइप की होंगे रेक्टेंगुलर शेप दे विच होंगी बॉक्स होंगे. सो जो कि उस विच फोर मैक्सिमम फोर मिनिमम फोर तो लैके मैक्सिमम 12 पोर्ट्स होंगे. सो पोर्ट्स की होंगे लाइक पोर्ट्स होंगे जिस दे विच कि आप डिवाइसिस नू कनैक्ट करते हैं. ठीक है, अपने पोर्ट होंगे जिदे थ्रू आप लाइक आप USB कनैक्ट करते हैं, केबल कनैक्ट करते, पेन ड्राइव कनैक्ट करते, सिमिलरली है PCs दी हब दे नाल उसनू कनैक्ट कराया जाता. ठीक है, सो कुछ इस टाइप के होंगे. सो दिस इज़ आर पोर्ट्स. सो एक फोर पोर्ट्स का हब है. ठीक है, सो हब की गल करिए होंगे बेसिकली एक सिंपलैसट वे होंगे जिदे आप नैटवर्कस नू क्रिएट कर सकते हैं, ओके जी. सो एक अपना सिंपलैसट वे है इस दे विच की कनैक्ट कर सकते टू और मोर लैंस. सो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल की सिंपलैसट नैटवर्क है. ठीक है, तो जो पॉइंट्स है नोट डाउन करते जाने, माइंड से रख लो, बाद चे अगेन इसके उपर शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना. सो एक है सिंपलैसट वे है अपन नैटवर्क क्रिएट करते हैं, टू और मोर इधर नैट कनैक्ट होंगे. इस दे विच की होंगी है फिल्टरिंग नहीं होंगी. सो गाइज अगर थोड़ा पूछा जा सकता है कि डिवाइस है जिसनों डम डिवाइस कहा जाता, डम नैटवर्क डिवाइस, और कह सकते हैं लीस्ट इंटेलीजेंट. सो की है बिल्कुल डम डिवाइस किसनों कहा जाता, दैट इज़ हब. एंड इसनों डम क्यों कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इस दे विच की है अगर इसने नैटवर्क है, सपोज करो ये अपनी हब है. ठीक है, इस दे विच 4 to 5 की है नैटवर्कस क्रिएट है. ठीक है, सो PCs कनैक्टेड है. सो अगर हब ने कोई भी अगर उसने मैसेज है सेंड करना है, सपोज करो अगर ए वाले PC ने अगर ए है, इसने बी डिवाइस नू की करना है सेंड करना है. सो कि थ्रू हब की नेटवर्क क्रिएट है. सो हब को ले पहले अपना जाएगा मैसेज जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है. सो की होएगा उस नाल की है जो अपना यह डिवाइस है, सो हब की करेगा जिसने डिवाइस ने सेंड करया है उस इंक्लूडिंग सेंडर सारे डिवाइसिस नू की करेगा सेंड कर देगा मैसेज. सो एक की है हो सकता उसका कुछ सीक्रेट मैसेज भी होएगा, बट वो कि सारे डिवाइसिस को चला जाएगा. ठीक है, सो उस नाल की डेस्टिनेशन पॉइंट पर भी पहुँच जाएगा, बट जो अपने नॉन इंटेंडेड रिसीवर सिगे उसके कोल भी अपना डेटा पहुँच गया. सो दैट्स वाई इट्स डम डिवाइस. सो एक लैस एक्सपेंसिव है एंड एक ईजली यूज होंगे सिंपल नैटवर्क के लिए, कॉम्पलैक्स
नैटवर्क सीजनल क्रिएट नहीं करे जा सकते। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इस है एक कैड़ी लेयर के उपर होंगे दैट इज़ कैड़ी लेयर के उपर होएगा फिजिकल लेयर के उपर। ओके जी, सो ये तुम्हें पूछा जा सकता है कि हब कैड़ी लेयर ओएसआई मॉडल की कैड़ी लेयर के उपर है, स्विचेस कैड़ी लेयर के उपर है, ब्रिज कौन सी लेयर के उपर है। ठीक है, सो तुम्हें पूछा जा सकता है। एंड अगर इस पोर्ट्स की गल करिए तो एक ही अपनी 4 पोर्ट वाली हब है, बट इस मैक्सिमम 4 to 12 पोर्ट्स के हब अपने को अवेलेबल होंगे है। सो सिग्नल की गल करी जाए जस्ट बिकॉज ये किस उपर हूँ फिजिकल लेयर के उपर हूँ, सो फिजिकल लेयर किस फॉर्म से अपना डेटा ट्रांसमिट हूँ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। सो दैट्स वाई जो अपनी हब है वह भी किस फॉर्म से डेटा ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है जी, सो ये की हूँ हब की हूँ बेसिकली सेंट्रल हब हूँ अपनी सेंट्रल डिवाइस हूँ जिसके थ्रू आप कनैक्ट करते हैं पीसीस। सो एक होर इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट पूछ सकते हो पोर्ट्स की गल करिए तो 4 to 12 पोर्ट्स होंगे है। एंड अगर स्पीड की गल करी जाए तो अप टू 10 Mbps तक होंगी है। ठीक है जी, ठीक है 10 Mbps स्पीड होंगी है हब की। सो इस स्पीड दे अपना डेटा की है ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, आई होप थोनों इसी वर्किंग एंड स्टैटिक पोर्शन हम कवर हो गया होगा। सो उस दसिया कि हब रिसीव करता है डेटा पैकेट एंड पासिस ऑल द इनफॉर्मेशन इट रिसीव्स टू ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द हब एंड इट ऑल्सो सेंड टू द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर दैट सेंड द इंफॉर्मेशन मीन की है जो सेंडर है उसके कोल भी की है सेम मैसेज जाता है। ठीक है, सो इस डायग्राम है। सो नैक्सट आप मूव करते हैं। सो ऑलरेडी ये सारी मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हाँ। ठीक है, तुम नोट डाउन कर लेना। सो नैक्सट वन है स्विचिस। स्विचिस की होंगे एक ही सैकेंड लेयर के उपर होंगे। फस्ट वन कि अपनी फिजिकल लेयर। ठीक है, हूँ की है स्विचिस की होंगे अपनी सैकेंड लेयर है दैट इज़ डेटा लिंक लेयर उसके उपर होंगे। सो आप स्विचिस किस लिए यूज़ करते हैं, ये ज्वाइन करते आप मल्टीपल कंप्यूटर विद इन ए लैन। सो इस की इसकी कपैसिटी की है एज़ कंपेयर टू हब की थोड़ी जी इनक्रीज़ हो गई सी। उस किन्ने पोर्ट से 4 to 12 तक से। ठीक है, हब दे विच किन्ने से 4 to 12 तक से, बट इस दे विच किन्ने पोर्ट्स हो रहे हैं अप टू 48। ठीक है जी, सो तुसी गैस कर सकते हो कि एक पोर्ट्स दे नाल एक वायर अगर अटैच हो रही है तो फर्दर अगर आप 2-3 स्विचेस लगा दें तो आप किन्ने ज़्यादा नैटवर्क लंबा जो है लेंथी है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो 48 पोर्ट्स तक का आप की है इस दे विच कनैक्ट कर सकते पीसिस। सो इस कि ओबियसली कि लार्ज हो जाएगा थोड़ा जहा इस नैटवर्क। सो अगर हब की गल करिए तो हब की सब अपना हाफ डुपलैक्स वो एक पॉइंट सगा उस कि हब जो है हाफ डुपलैक्स है मीनस की है अगर जो हब है अगर वो कि एक टाइम तो एक ही परसन जो है उसनों सेंड कर सकता है। ठीक है जी, डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। बट अगर गल करिए स्विचिस की तो एक फुल डुपलैक्स है बोथ साइड से। ठीक है जी, सेंडर और रिसीवर दोनों की सेम टाइम पे डेटा सेंड भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं दैट्स वाई की है फुल डुपलैक्स है। सो इस दे विच की है बैंडविड्थ वेस्टेज जो हो जाती मिनिमल हो जाती है। क्यों हो जाती है, जिदा उस दे विच की सीगा वो की सीगा डम डिवाइस सीगा दैट्स वाई की करता सीगा सारे डिवाइसिस नू की करता सीगा सेंड कर देता सी। सो बैंडविड्थ की जो कपैसिटी सी वो वेस्टेज हो रही थी कितने ना कितने। ठीक है जी, सो यही करेगा इस दे कोल की होएगा एक एक ही है ओनली इंटेंडेड यूजर्स नूं ही की करेगा सेंड करेगा। ओके जी, सो जिसनूं इसने सेंड करना जस्ट उसनूं ही डेटा जो है सेंड होएगा। सो एक ही है इस दे कोल की होंदे मोर पोर्ट्स होंदे दैन हब्स। सो तुसीं देख सकते हो अप टू आप कह रहे थे 48 पोर्ट्स होंदे है। सो दिस इज़ आर पोर्ट्स बेसिकली। सो इस दे विच की है स्पीड की अगर गल करी जाए तो उस दे विच स्पीड कितनी होंदी सीगी 10 Mbps। ठीक है, सो अगर इस दी गल करी जाए तो इस दे विच कितनी स्पीड होंदी है दैट इज़ 10 Gbps। सो इस दी स्पीड भी की है डेटा रेट स्पीड भी की होगी इनक्रीज़ होगी। एंड अगर तुमने एक क्वेश्चन पूछा गया सीगा सो कॉन्सेप्ट की सीगा कि अगर ब्रिज है, ठीक है जो ब्रिजिस अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ब्रिजिस है विद टू पोर्ट्स मोर दैन टू पोर्ट्स। ठीक है, 2+ अगर उसके कोल पोर्ट्स ने। सो नॉर्मली की होंगे ब्रिजिस के 2 पोर्ट्स ही होंगे
बट अगर कोई ब्रिज है उस दे विच दो तो ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल है दैन वो किस दे इक्वल हुंदी है इक्वल्स टू स्विच। सो तुहानू क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुके हैं दैट्स वाई मैं कंसैप्ट तुहानू दस रही हाँ। सो इस दे विच के अगर नॉर्मली ब्रिजिज दे विच के ना अपने दो पोर्ट्स हुंदे जो कि दो लाइनस नू कनैक्ट करन लई आपां ब्रिज नू मेनटेन करते हैं ठीक है जी। बट अगर ब्रिज दे विच उसकी एक्चुअल कपैसिटी तो अगर ज़्यादा पोर्ट्स है मतलब मोर दैन टू पोर्ट्स है दैन वो किस दे इक्वल हो जाती है इक्वल्स टू स्विचिज। सो दैट्स इट। इस दे विच यही है कि आप ट्रांसमिट करते हैं डेटा बट ओनली इंटेंडेड यूजर। आप हब दी तरह आप डम नहीं हाँ स्विचिज जो डम नहीं है वो की कर रहे हैं इंटेंडेड यूजर नू ही सेंड कर रहे हैं दैट्स वाई एक ही है ये फुल डुप्लैक्स है। एंड हब की सी कांट हैंडल द लार्ज डेटा जस्ट बिकॉज इस पोर्ट ज़्यादा है दैट्स वाई की कर सकती है हैंडल करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एंड स्विचिज केस लेयर उपर होंगे ऑन द लेयर नंबर सेकेंड दैट इज डी एल एल दैट इज डेटा लिंक लेयर। ओके सो नैक्सट वन। सो ये वही थ्यूरी लिखी हुई है तुम जस्ट नोट डाउन कर सकते हो। सो नैक्सट आप मूव करते हैं। सो एक कुछ इस टाइप का होंगे गाइस लाइक ये राउटर है। सो ये अपना की है स्विच है। सो स्विच के थ्रू की करेगा अगर कोई राउटर के थ्रू अपने को कुछ भी आ रहा है ठीक है स्विच ने की करना है अगर उसमें राउटर को सेंड करना है और इसने की करना है सारे डिवाइसेस नु इंटेंडेड यूजर नु की करेगा डेटा सेंड करेगा। सो की लिखा हुआ है स्विचेस आर बेटर देन हब्स फॉर द लार्ज नेटवर्क एंड होम नेटवर्क फॉर मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। सो नेक्स्ट वन है राउटर्स। सर राउटर्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है जो आप करेगा ओ एस आई मॉडल दे विच की सीगा कि जो अपने राउटर्स है वो की करते हैं राउटर्स है जो कि अपनी नेटवर्क लेयर दे उपर होंगे है ठीक है। सो राउटर्स आप किस लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क क्रिएट करने यूज़ करते हैं और नेटवर्क लेयर की अगर गल करी जाए तो ओ एस आई मॉडल की थर्ड लेयर है। सो राउटर्स जो है डिवाइसिज है वो कि नेटवर्क लेयर के उपर ही इस्टैबलिश होंगे। सो राउटर जो लेयर राउटर्स है जो वो की करते राउटिंग परफॉर्म करते फंक्शनैलिटी रूटिंग करते हैं ठीक है। सो राउटिंग किसी हो रही है बेसिकली पैकेट से हो रही है। सो दैट्स वाई की हो रहा है कि अपने जो डेटा है वो किसी फॉर्म के विच है पैकेट्स की फॉर्म के विच है। एंड इस दे विच इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो उस दे विच की लैंस नू कनैक्ट कर रहे थे आप बट इस दे विच की है लैन और कॉम्बीनेशन ऑफ वैन ठीक है। सो कि लार्ज हो गया उस तो ज़्यादा लार्ज आप की है डेटा जो है नैटवर्क क्रिएट कर सकते हैं बट ये की करा जाता है ओनली टू नॉन डेस्टिनेशन। बट इस की अगर कुछ पैकेट्स है अपने को सो डेटा की पैकेट्स की फॉर्म जा रहे हैं। सो आप करेगा कि उस पैकेट्स जो पैकेट स्विचिंग हो रही है मीनस सेंडर टू रिसीवर अगर जा रहा है सो पैकेट्स जो नैटवर्क मूव करेंगे दैन की होंगे ओनली इंटेंडेड यूजर डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाएंगे। सो किसी हेल्प के नाल जाएंगे आईपी एड्रेसेस होंगे अपने को ठीक है जी। सो आईपी एड्रेस होएगा डेस्टिनेशन का। सो डेस्टिनेशन जो पीसी है उसके आईपी एड्रेस के ऊपर के अपना जो पैकेट है वो क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा। सो राउटर के कोल किन्ने होंगे पोर्ट्स होंगे इसके। सो राउटर के बेसिकली किन्ने होंगे सिक्स टू 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 सिक्स पोर्ट्स होंगे ठीक है जी। सो आप ऑलरेडी देख चुके हैं उस दे विच किन्ने सीगे 4 to 12 सीगे हब दे विच उस दे विच स्विच दे विच किन्ने सीगे 48 एंड राउटर दे विच किन्ने हो सकते 2 to 6 ठीक है। सो अगर तुहानू पुछे जाए राउटिंग टेबल किस दे विच हुंदा सीगा इन राउटर। सो बेसिकली की करदा सीगा ये की करदा सीगा मीनस इंटेंडेड यूजर्स नू विद द हेल्प ऑफ आई पी एड्रेस की करदा सीगा सोर्स टू डेस्टिनेशन जो अपनी पैकेट्स है उसनों मूव करता सीगा और कॉम्पलैक्स नैटवर्कस के लिए ही बेसिकली राउटर है जो आप यूज़ करते हाँ। सो इस डेफिनेशन है बेसिकली जो थो बेसिकली इस यही दसेगा कि राउटिंग डिसीजन लेने आप। सो एक आईपी एड्रेस की हेल्प के नाल की सोर्स टू डेस्टिनेशन अपना जो है अपने पैकेट्स है मूव कर रहे हैं। सो अगर उरे देखा जाए तो इंटरनेट है इंटरनेट तो राउटर कोल गया राउटर तो फायरवॉल ने की करना है अगर कोई एक कोई अपना अनऑथराइज पर्सन तो नहीं गा ठीक है। उस तो बाद किस दे कोल जाएगा स्विचेस कोल जाएगा स्विचेस दे कोल की है बेसिकली पोर्ट्स है जिस दे थ्रू की नेटवर्क्स क्रिएट है। सो इस दे कोल जाके स्विच कोल जाके इसने की करना है जो भी अपना आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस से अपना डेटा की है ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके जी। सो ये की है एक्ट लाइक ट्रैफिक कंट्रोलर। सो तुहानू क्वेश्चन दे एक एक वर्ड्स तो तुहानू पूछा जा सकता है कि एक्ट लाइक ट्रैफिक कंट्रोलर का मीनिंग की है
कि वो इंटेंडेड यूजर को जा रहा है, ये नहीं कि वो हब दे वांग की है हर एक डिवाइस ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है, नो, एक ही इंटेंडेड यूजर जो कि अपना रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, उसके को ही पैकेट की है पासिंग हो रही है। सो होम नेटवर्क राउटर इंक्लूडिंग जो अपना होम नेटवर्क क्रिएट करते उस आप यूज़ करते हैं वायरलैस राउटरस। ओके जी, सो नैक्सट अगर गल करी जाए ब्रिज की, सो ब्रिज आप बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, दो अगर कुछ भी नैटवर्कस है लैंस है लैंस न कनैक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर एक साइड तो एक लैन है सैकेंड तो एक है तो उन्होंने कनैक्ट कराया जाएगा वाया ब्रिज। सो हार्डवेयर डिवाइस आर यूज टू क्रिएट कनैक्शन बिटवीन टू सैपरेट कंप्यूटर नैटवर्कस और टू डिवाइड वन नैटवर्क इंटू टू, सो बेसिकली वो दो नैटवर्क न डिवाइड भी कर रहे हैं और कंबाइन भी कर रहे हैं, सो सेम ही मीनिंग है दोनों के, सो डिफरेंट वे नाल उसनु एक्सप्लोर कराया गया। सो फिल्टर्स कर दे डेटा ट्रैफिक, सो इसने ब्रिज ने की करना है डेटा ट्रैफिक है जो उसमें फिल्टर करेगा, सो उसके अकॉर्डिंगली की है डेटा जो अपने सेगमेंट्स है ओके सेंड होंगे सेंडर टू रिसीवर। ओके जी, सो ब्रिज कुछ इस टाइप का है बेसिकली, सो एक ही अपना लैन वन है लैन टू है, सो एक ही हब दे नाल अपनी लैन एक क्रिएट करी हुई है और हब दे नाल सेंट्रल डिवाइस दे नाल एक कनेक्ट है, ठीक है जी, दो लैंस है, सो सेंटर च की है ब्रिज है बेसिकली, ये है एक ही नैटवर्क है ओवरऑल एक नैटवर्क है बट एक ही है दो पार्ट्स के लैंस सी, सो उसको कनैक्ट कराया गया वाया ब्रिज। अगर देखा जाए तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर देखा जाए तो एक नैटवर्क है जो उसको डिवाइड कराया गया ब्रिज के नाल, ठीक है, बट अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो दो लैंस नू कनैक्ट कर रहे हैं आप ब्रिज के थ्रू। सो बेसिकली गल तो पॉइंट ऑफ व्यू की ही है। सो ईच ब्रिज कंसिस्ट ऑफ मैक एड्रेसिस, सो गल हो रही है उरे इसके कोल की हुंदा मैक एड्रेसिस, सो तुसीं मैनूं दसो मैक एड्रेस आप कैड़ी लेयर च यूज़ करते सीगे, दसो फिजिकल DLL और नैटवर्क दसो आंसर गाइज। सो जो मैक एड्रेस सीगे यूज इन DLL, ठीक है जी, सो DLL दे विच की सीगे मैक एड्रेस यूज हो रहे सीगे। अगर इस विच मैक एड्रेस यूज हो रहे सीगे तो तुहानूं पुछा जा सकदा है कि ब्रिजेस दे विच डेटा है जो किहड़ी फॉर्म दे विच हुंदा है, सो ईजी है, सो मैक एड्रेस जो सीगे DLL दे विच सीगे, सो DLL दे विच डेटा है जो अपना फॉर्म दी जो डेटा है फ्रेम दी फॉर्म दे विच के अपना ट्रांसमिट हो रहा सीगा। सो अगर इसी पोर्ट्स की गल करी जाए बेसिकली ब्रिजेस दे, सो तुहानूं ऑलरेडी दस चुके, सो इस दे विच दो पोर्ट्स हुंदे आ, ठीक है जी, सो इस दे विच की है राउटिंग टेबल नहीं हुंदा। ओके, सो राउटर दे विच की नेम तो पता लग गया राउटर दैट मीनस की हुंदा सीगा अपने कोल राउटर टेबल हुंदा सीगा राउटिंग टेबल, सो ब्रिजेस दे विच की राउटिंग टेबल नहीं हुंदा बट ब्रिजेस दे विच पोर्ट्स हुंदे आ टू, ठीक है, पोर्ट्स उपर बहुत बार क्वेश्चनिंग पूछी गई है, सो इस दे विच पोर्ट्स हुंदे आ टू एंड अगर ब्रिज अगर कोई ब्रिज है विद मोर दैन टू अगर उसके कोल की है पोर्ट्स है दैन किस दे कोल हुंदी है स्विचेस दे, ठीक है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सो राउटिंग टेबल इस विच नहीं हुंदा बट एक ही है ब्रिजेस है जस्ट आप सिंपल नैटवर्क क्रिएट करने के लिए ही यूज़ करते हैं, सो इस दे विच की अगर राउटिंग टेबल नहीं दैट्स वाई ये भी की करती है फॉरवर्ड करती है टू ऑल डिवाइसिस नू डेटा जो भी आप सेंड कर रहे हैं। ओके जी, सो नैक्सट वन है गेटवे, सो गेटवे की है एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि अपना एंट्री ते नैट किसी भी नैटवर्क की एंट्री के उपर आप लगा दें सो दैट आप ऑथेंटिकेट यूजर नू ही एक्सेस दे सकी है। सो की कह रहे हैं ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ए रिमोट नैटवर्क विद कनैक्टिविटी टू होस्ट नैटवर्क, ठीक है जी, रिमोट कनैक्टिविटी है, सो कुछ इस टाइप के होंगे अपने गेटवेज। सो गेटवे किदा वर्क करते हैं, गेटवे नोड्स एक्ट लाइक ए प्रोक्सी सर्वर और फायरवॉल, सो प्रोक्सी सर्वर का मीनिंग की उरे हम तुम पूछ रहे हो, प्रोक्सी सर्वर गाइज इदा होंगे लाइक तुम्हें पूछा जा सकता है कॉन्सैप्ट थोड़े क्लीयर होना चाहिए बेसिकली, सो एक अपना प्रोक्सी सर्वर है एंड दिस इज योर इंटरनेट सर्वर, ठीक है, सो ये तुसी हो क्लाइंट, सो क्लाइंट की कर रहा है कोई भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके कोले जाएगी, वो जाएगी प्रोक्सी सर्वर को सर्वर कोले एंड प्रोक्सी सर्वर दैन किसके कोल जाएगा इंटरनेट सर्वर कोले। सो जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी प्रोक्सी सर्वर को गई, प्रोक्सी सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट है जो उसके कोल स्टोर होएगी ओके इंटरनेट सर्वर तो लेके रिक्वेस्ट का रिस्पोंड कर देगा क्लाइंट नू। सो अगर नॉर्मली देखा जाए क्लाइंट की डायरेक्टली की करता सीगा इंटरनेट नाल कनैक्ट करता सीगा बट प्रोक्सी सर्वर ने एक कॉन्सेप्ट नू की करता खत्म करता। ओके जी,
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਗੇਟਵੇ ਦੀ। ਗੇਟਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫੋਰਵਰਡਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਟਵੇ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਟਵੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਵਰਡਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੇਟਵੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਰਵਰਡਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਪੈਕਿਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹ ਨੋਡ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਗੇਟਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਦ ਇਨ ਏ ਨੈਟਵਰਕ ਆਰ ਗੇਟਵੇ ਨੋਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜੋ ਗੇਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਫੋਰਵਰਡਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਉਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਫਾਇਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਅਨਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈਨ ਔਰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਹੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਬ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਡੰਬ ਡਿਵਾਈਸ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੰਬ ਡਿਵਾਈਸ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਬਲ ਔਰ ਕਨਫਿਗਰੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਗੇਟਵੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੱਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਬ ਡਿਵਾਈਸ ਔਰ ਲੀਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਐਂਡ ਜੋ ਗੇਟਵੇ ਸੀਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੀਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਬ ਆਪਣਾ ਲੀਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਇਰਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਕਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਫੁਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੈਕਟ ਸਵਿਚਿੰਗ ਜੋ ਸੀਗੀ, ਪੈਕਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ IP ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸੈਂਡਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵਰ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸਟੇਟਫੁਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰਵਾਲ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਸਟ ਹੋਮ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਊਟਰਸ ਹੈਵ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਾਇਰਵਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੋਗਿੰਗ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਈਕ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਲਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਆ ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਡੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
सो तुहानू पूछा जा सकता जो कि WAP है, दैट इज़ वायरलैस एक्सैस पॉइंट। इस होंगे रेडियो सिग्नल्स होंगे, सो कन्फिगर की करते हैं WLAN, दैट इज़ वायरलैस लैन कनैक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, सो कुछ इस टाइप के तुम देखे ही होंगे लगे हुए। ठीक है, एक ही होंगे अपने APs होंगे, वायरलैस एक्सैस पॉइंट्स होंगे। सो इस की है रेडियो फ्रीकुएंसी होंगी है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड वैप आप क्यों यूज़ करते हैं, आप वाईफाई के डिवाइस कनैक्ट करने के लिए। एंड इस मोस्टली किस इस कनैक्ट किस थ्रू कराया जाता है, विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। ठीक है जी, सो इसी वर्किंग है। सो एक रेडियो फ्रीकुएंसी यूज़ करता है, ब्रॉडकास्ट वायरलैस नेटवर्क अडैप्टर्स इनबिल्ट, जो कि तुम्हें ऑलरेडी दस चुकी हूँ। सो नाउ ए डेज की होंगे ने इनबिल्ट अडैप्टर्स होंगे ने अपने वायरलैस एक्सेस पॉइंट्स के। सो कुछ इस टाइप की अपनी डेफिनेशन है गाइस, तुम देख सकते हो। सो एक अपना जो रेडियो फ्रीकुएंसीज है, सो वायरलैस नेटवर्क के थ्रू, सो एक अपना राउटर है, सो इस दे थ्रू की इसनों कनेक्ट कराया गया और अपने सारे पीसीज ऊपर की रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ओके जी, सो ये थोड़ा मैं ऑलरेडी पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दैट्स इट गाइस, बट एक अपना इस विच की है अपना पॉइंट मिसिंग है, दैट इज़ राउटर्स, सॉरी रिपीटर्स। सो रिपीटर्स की होंगे है, सो रिपीटर्स होंगे मोस्टली आप लैंस के कनैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एक ये लैंस नूं आपां होर ज़्यादा इनहैंसड करन दे लई यूज़ करे जांदे रिपीटर्स। सो एक इस दे नाल की है, जब अपना डेटा जो है, जब अपना लार्ज अपना बहुत दूर तक जाता तो कई बार कहते सिग्नल्स कहते वीक हो जाते हैं। सो इसनूं रिपीट इसनूं बूस्ट करन दे लई आपां की रिपीटर्स यूज़ करते हैं। सो रिपीटर्स दे नाल की होंदा, एक तो अपनी जो स्पीड है, ठीक है, रिपीटर्स यूज़ करे जांदे, एक तो अपने जो नैटवर्क की लेंथ नूं इनहैंस करन लई दे लई इनक्रीज करन दे लई। एंड अगर एक गल करी जाए इस सिग्नल्स की, तो इस सिग्नल्स की जो स्पीड है उस कोई फर्क नहीं पैंदा, रिपीटर्स की इसनों अगेन की है रीबिल्ट करते जाते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टूडे सैशन। आई होप तुम्हें अज का सैशन अच्छा लगे होएगा। सो नेक्स्ट सैशन के अपन नैक्सट टॉपिक करा, दैट इज़ नैटवर्क टिपोलॉजीज एंड ट्रांसमिशन दे मैथड्स, दैट इज सिंपलैक्स है, डुपलैक्स है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सो टिपोलॉजीज और ये दोनों टॉपिक्स अपने एक साथ एक लैक्चर के होंगे, जस्ट ईजी टॉपिक है। सो अपने दो लैक्चर्स जो सैशन के जो टॉपिक्स करे इन दोनों का कंबाइन की है, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक्स आपकी नैक्सट MCQ टेस्ट होएगा। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।